Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 17 दिसंबर के क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास, द सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस वन इज व्हाट। तो ये तो आसानी है, पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे सेम वेरिएबल्स। जैसे इसको लिख सकती हूँ मैं ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर माइनस वन, ई रेस्ट पावर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर, ई रेस्ट पावर माइनस वाई। माइनस वाई कॉमन आके डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी मैं यहाँ पे माइनस वाई, और यहाँ डी वाई रखूंगी, और यहाँ क्या बचा, ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स को इस तरफ ले आई। ठीक है, हो गया ये। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे सेपरेट द वेरिएबल के बाद, और इसको ऊपर ले जाइए, ई वाई डी वाई इक्वल टू बाकी ऐसे ही ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं, ई वाई की इंटीग्रेशन ई वाई ही होगी इक्वल टू ई एक्स की ई एक्स, और इसकी एक्स थ्री बाय थ्री प्लस सी। तो ई वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स थ्री बाय थ्री प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। ये आपके पास लाइन्स दी है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। क्यों, पहले वाली देखिए, एक्स माइनस टू थ्री इक्वल टू वाई प्लस वन माइनस टू, और यहां इक्वल टू नेक्स्ट क्या होगा, जेड माइनस टू, जेड माइनस टू, और नीचे क्या है, जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीरो। एंड नेक्स्ट इक्वेशन देखिए आप, ये वाली, तो ये तो एक्स माइनस वन बाय वन इक्वल टू, टू नहीं चाहिए होता है यहाँ, एक्स y और z चाहिए होता है, तो 2 से 2 को कॉमन लेके आइए तो क्या बचेगा, ये y प्लस थ्री बाय टू ओवर थ्री बाय टू ऐसे हो जाएगा, और नेक्स्ट z प्लस फाइव टू। अब हमें पता है ये जो है b1 वेक्टर है, और ये लेट ले लेते हैं, ठीक है, b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर, b1 एंड b2, b2 वेक्टर्स पैरेलल टू ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, पैरेलल टू वन एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो मतलब बी वन क्या हो गया आपका, बी वन वैक्टर थ्री आई माइनस टू जे प्लस जीरो के, एंड बी टू वैक्टर आई प्लस थ्री बाय टू जे प्लस टू के, ये हो गया। एंड वी नो दैट कॉस थीटा एंगल से पूछा है, कॉस थीटा बी वन वैक्टर मल्टीप्लाई डॉट बी टू वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू वैक्टर। तो ये आप मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री वन जा थ्री, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू, और टू तो कैंसिल हो गया तो थ्री बचा, और ये तो ऐसे भी जीरो इंटू समथिंग जीरो ही, और नीचे मैग्नीट्यूड करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन, टू टू जा फोर, और यहां भी करेंगे तो वन प्लस नाइन बाय फोर, टू टू जा फोर। अब नीचे मुझे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, तो जीरो बाय समथिंग इज जीरो, दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, और कब होता है, जब कॉस आपका 90 डिग्री होता है, दैट मीन्स थीटा कितना है आपका, फाइव बाय टू। थ्री इवेंट्स ए बी सी हैव प्रोबेबिलिटीज, मतलब ये दिया है पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी, गिवन दिया है रिस्पेक्टिवली टू बाय फाइव, वन बाय थ्री एंड वन बाय टू। गिवन दैट पी इंटरसेक्शन सी वन बाय फाइव, बी इंटरसेक्शन सी वन बाय फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर इसका फॉर्मूला आपको पता है कैसे होगा, पी ऑफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट इज इक्वल टू, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन नॉट, ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है और सब कुछ आपके पास दिया है, आप वैल्यूज पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो गया पी ऑफ ए, पी ऑफ सी और ये वाला, तो इतना वैल्यू डालिए, टू बाय फाइव प्लस सी की वन बाय टू माइनस और ये वन बाय फाइव, आप एलसीएम करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 2 7 बाय 10 एंड दैट विच इज इक्वल टू 3 बाय 10, 3 बाय 10 आपका फाइनल आंसर।
नेक्स्ट है, इन अ टाउन 10,000 फैमिलीज इट वॉज फाउंड 40% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर ए, 20% बाय न्यूज़पेपर बी, 10% बाय न्यूज़पेपर सी, 5% फैमिलीज बाय ए एंड बी, 3% बी एंड सी, 4% फैमिलीज बाय ए एंड सी, 2% बाय ऑल द थ्री न्यूज़पेपर, देन द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय न्यूज़पेपर ए ओनली. तो ये तो पता ही है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 10,000 दी आपके पास. तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर एन नंबर ऑफ 40% फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 40% ऑफ 10,000 4,000. एन ऑफ बी हो जाएगा 20% दिया है, तो 20% ऑफ टोटल फैमिली, तो ये हो गया 2,000. एंड एन सी कितना हो, 10% ऑफ 10,000 1,000. अब नेक्स्ट लिखा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी नंबर ऑफ फैमिलीज बाय ए एंड बी बोथ बाय ए एंड बी, तो 5% है वो, दैट मीन्स 500 हो गया, 5% ऑफ 10,000. सिमिलरली बी एंड सी 3% है, तो 300 हो गया. एंड लास्ट ए एंड सी सेकेंड लास्ट ही 400, 4% है, तो 4% ऑफ 10,000. एंड तीनों ए बी एंड सी, तो 2% ऑफ 10,000 कितना होता है, 200. 2% फैमिली बाय ऑल द न्यूज़पेपर, ये दिया था. तो नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए अलोन क्या हो जाएगा वो, अब ए का पूरा 4,000 है ये वाला, इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे आप, एक तो ये क्योंकि ए इसमें है और 400 ये वाला, एंड ये तो तीनों में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, मतलब 500 प्लस 400 माइनस 200, तो विच इज इक्वल टू 900 माइनस 200 700, 4000 माइनस 700 3300. अगर आप इसको ए बी एंड सी ऐसे लेके चलेगे तो आपको अपने आप आ जाएगा वेन डायग्राम से, ये पूरा 4000 है, ये वाला पोर्शन 500 है और ये वाला पोर्शन 300 है और ये 200 दो बार इंक्लूड हो गया इसलिए 200 माइनस करना पड़ेगा. तो ओनली वाला पोर्शन कौन सा हो गया, दिस वन ओनली ए, ये वाला, ठीक है. तो ये आपका आ गया 3300. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स इज 200. एरिया दिया है 200, तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, एक ही दिया है, आयोटा z कितना हो जाएगा, आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस y प्लस आयोटा x, एंड थर्ड z प्लस आयोटा z, इनको ऐड कीजिए तो x माइनस y प्लस आयोटा x प्लस y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल 200 दिया है, होता है हाफ ऑफ एक्स वन वाई वन, तो एक्स वाई दिया है, एक्स टू वाई टू यहाँ वन, एक्स थ्री एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे वन, ये होता है. अप्लाई आर थ्री पे, आर थ्री माइनस आर टू माइनस आर वन, ये ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन, ये जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा. अब हम इसको डिटर्मिनेंट करते हैं, कितना हो जाएगा ये, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस वाई हो जाएगा प्लस वन इंटू जीरो, ये जीरो हो गया, दैट मीन्स 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये भी माइनस है. तो कितना हो गया ये देखिए, तो एरिया कैसे होता है, मॉड में होता है, अगर माइनस कॉमन ले लूंगी ऐसे हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस से बाहर लाके 400 को 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ. क्यों, वी नो दैट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहां पे मैं अगर दोनों तरफ स्केयर रूट ले लू क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ऐसे हो गया, क्लियर. तो ये पता ही आपको बेस सेम पावर एडेड, ये पावर सेम है यहाँ पे, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऐसे हो गया, पता है 20 डायरेक्ट भी कर सकते थे, 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या आ गया, अंडर रूट, और ये क्या होता है, मॉड ऑफ जेड के इक्वल 20 आ गया, बट आपको क्या दिया है कि 3z का मॉड ये फाइंड आउट करना है, तो 3 बाहर लाइए और मॉड ऑफ जेड, दैट मीन्स 3 इंटू ये कितना हो गया आपका 20, तो फाइनल कितना आ गया आपका 60. आज के लिए इतना ही, डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.